शॉर्ट नोटिस के ऊपर आपने समय निकाला, हम आपके आभारी हैं। आज मुझे आपसे बात करनी है भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी अभियान भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि कोविड की जो पहली वेव आई उस समय भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन के दौरान बहुत बड़ा काम किया। फीड द नीडी करके एक अभियान चलाया, करोड़ों लोगों को भोजन, राशन, मास्क, सैनिटाइजर अनेक प्रकार से उनके साथ समाज के साथ खड़े हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। दूसरी वेव आई और सेवा ही संगठन इस अभियान के साथ पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा। हमारे कार्यकर्ताओं ने उन स्थानों के ऊपर जाकर के समाज की सेवा की जहां पर परिवार के लोग भी उनके साथ जाना उचित नहीं मान रहे थे। वो ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात हो, मेडिसिन्स की उपलब्धता की बात हो, इलाज कराने की बात हो, उन्हें उचित स्थान के ऊपर पहुंचा करके दाखिल कराने की बात हो, ये सारे कामों को अंजाम दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। और जो सेवा ही संगठन है उसी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दो अभियान अपने हाथ में लिए हैं। पहला है वैक्सीनेशन ड्राइव और दूसरा है हेल्थ वॉलेंटियर ड्राइव। वैक्सीनेशन ड्राइव का काम बहुत तेज गति से पूरे देश के अंदर चल रहा है और ये जो हेल्थ वॉलेंटियर ड्राइव है इसके बारे में मैं आपके माध्यम से हिमाचल की और देश की जनता को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी देश भर में 4 लाख हेल्थ वॉलेंटियर तैयार कर रही है। ये क्या है हेल्थ वॉलेंटियर? 28 जुलाई को माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने दिल्ली केंद्रीय कार्यालय के अंदर इसका श्री गणेश किया। 33 राज्यों के 121 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और मैंने भी उस वर्ग को संबोधित किया। राष्ट्रीय संयोजक के नाते इस सारे का सिलेबस